नमस्कार स्टूडेंट, आज के ई लेसन में हम आपको सिखाएंगे प्राणायाम करना, जो योगा का ही एक पार्ट है। प्राणों का आयाम, हमारी हेल्दी एज का बढ़ना। तो प्राणायाम में आज आपको जो पहला प्राणायाम सिखाया जा रहा है वो है कपाल भाती प्राणायाम। कपाल माने मस्तिष्क और भाती माने चमकाना, कि जो लोग कपाल भाती करते हैं वो अपनी किस्मत की रेखाओं को चमकाते हैं या चमक जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप किसी भी पोस्चर में बैठ जाएं, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, बैकबोन स्ट्रेट, हैंड्स ध्यान मुद्रा में। इसमें स्टमक को हमें पीछे पुश करना है और श्वास को बाहर निकालना है, जर्क करना है बार बार, जैसे कि इस प्रकार। इसे बोलते हैं कपाल भाती प्राणायाम। हमारे पेट के अंदर जितनी भी गैसें होती हैं सारी बाहर निकलती हैं, वेट रिड्यूस होता है और पेट कम होता है। इट्स अ किंग ऑफ प्राणायाम। ये प्राणायाम में सबसे इंपॉर्टेंट है कपाल भाती प्राणायाम। एक बार फिर से करेंगे, बैकबोन स्ट्रेट, श्वासों की आवाज निकलनी चाहिए, कि जो हमारे अंदर श्वास है वो बाहर निकलनी चाहिए। जब स्टमक वापिस अपनी जगह पे जाता है तो ऑटोमेटिकली श्वास अंदर चले जाते हैं। ठीक है, कपाल भाती। इससे करने से बॉडी की 90% डिजीज कपाल भाती से ही ठीक हो जाती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्राणायाम है। इसको पहले आप 200 स्ट्रोक करें एवरीडे, धीरे धीरे बढ़ाते 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 हम 1000 स्ट्रोक इसके एवरीडे कर सकते हैं। 1 सेकंड का 1 स्ट्रोक, ठीक है, और धीरे धीरे टाइम बढ़ाते जाएं। एक बार फिर से, ठीक है, कपाल भाती प्राणायाम। तो आज के लिए आपका यही एक प्राणायाम है, इसको कॉन्सेंट्रेट करें इस पे, इसको एवरीडे किया करें। नेक्स्ट ई लेसन में हम आपको नेक्स्ट प्राणायाम सिखाएंगे। ठीक है, नमस्कार।